हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में देखिएगा 51 से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ समय पूछ रहा है। तो समय का फार्मूला पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए कि कोई रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करे तो उस टाइम पर दूरी निकालने के लिए दोनों की लंबाई का योग जोड़ देंगे, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी। तो 160 प्लस 440, यहाँ दूरी के लिए लिखेंगे 160 और प्लस 440, तो ये कुल दूरी हो जाएगी। और बटे समय दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल की वैल्यू रख देंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में आएगी। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट कर लेंगे, 160 और 440 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600 ये मीटर में, और ये चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे चाल में। तो देखिएगा 18 × 18, 18 × 5 = 90, तो यहाँ पर अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 1 = 5, देखिएगा यहाँ पर 12 × 5 = 60, मतलब 120 हुआ। फिर 5 से 5 = 1 = 5, यहाँ 5 × 2 = 10, 5 = 24, तो 24 आएगा कैंसिल आउट करने पर, और 24 सेकंड में ये होगा। तो ये टाइम हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी के लिए ध्यान रखेंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 140 मीटर में, और बटे समय दिया है 12 सेकंड, तो ये हो गई चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो इसी को यहाँ कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10 हुआ, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 14 × 3 = 42 हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ₹373 ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से ₹25 अधिक तथा बी को सी से ₹24 अधिक मिले, तो ए व सी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लगाने के तरीका होगा, ए बी और सी के भाग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ए को बी से ₹25 अधिक और बी को सी से ₹24 अधिक, तो यहाँ पर सी को मान लेते हैं पहले यक्स। अब देखिएगा बी का मान सी पर निर्भर करता है, बी को सी से ₹24 अधिक मिलते हैं, तो सी को यदि यक्स है तो बी हो जाएगा x प्लस 24। अब यहाँ पर देखिए a का मान b पर निर्भर कर रहा है, तो a को b से ₹25 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर 25 और दो जोड़ेंगे तो 24 × 25 = 49 हो जाएगा, b से ₹25 अधिक, तो ये तो b का हिस्सा है, इसमें 25 और प्लस कर देंगे तो 24 × 25 = 49 होगा, तो a को मिलेंगे x प्लस 49। अब तीनों को टोटल मिल रहे हैं 373 को बांटना है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर होगा यक्स 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 जोड़ेंगे तो 3x और प्लस 49 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ 73 होगा, और बराबर ये हो जाएगा ₹373 के। तो देखिएगा 3x = 73 जब पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू 300 बचेगी, तो यक्स का मान आएगा 3 × 3 = 3, कैंसिल आउट करेंगे 3 × 3 = 0, तो यहाँ पर यक्स का मान आ जाएगा 100। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें ए व सी का भाग पूछ रहा है, तो ए का भाग देखिए x प्लस 49 है, तो जब ए का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे x का, तो x प्लस 49 है, तो यहाँ x का मान 100 है, तो 100 प्लस जब 49 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी ₹149, ये ए का भाग है। और जब b का निकालना होगा तो b का देखिएगा यहाँ पर x प्लस 24 है, तो यहाँ पर x प्लस 24, तो यहाँ पर देखिए 100 + 24, तो 100 + 24 जोड़ेंगे तो ₹124 हो जाएगा, तो ये भाग होंगे 149 और 124, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, ₹189 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी के बराबर व बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, तो सी का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बी सी तीनों के हिस्से यहाँ पर यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पर यदि जोड़ें तीनों को, तो यहाँ टोटल दिया है ₹189 प्रश्न में, तो यहाँ x + x + x = 189, तो 3x = 189, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 18 = 3, 3 × 9, तो x की वैल्यू 63 आ गई, तो ये कि तीनों के हिस्से 63 रुपये होंगे, तो ये सी का हिस्सा हो जाएगा 63 रुपये, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
रुपये 53 को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 7 रुपये अधिक तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, तो ए व सी का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले ए बी सी ये तीन भाग बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें, बी का मान सी पर निर्भर कर रहा है, तो सी का पहले मान लेंगे यहाँ पर यक्स, जो यदि सी को यक्स मिले तो कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, तो यक्स में 8 जोड़ेंगे तो बी का हिस्सा हो जाएगा यक्स प्लस 8। लेकिन यहाँ पर दिया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले, तो यहाँ पर बी का एक्स प्लस 8 है, इसमें 7 और जोड़ेंगे तो 8 × 7 = 15 हो जाएगा, तो मतलब एक्स प्लस 15 ए को मिलेंगे इससे 7 रुपये अधिक। अब ये तीनों को जोड़ने पर हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक्स 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 जोड़ेंगे तो 3x और 15 × 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और ये बराबर वैल्यू दिया है 53, तो ये 53 रुपये टोटल होंगे तीनों का हिस्से का योग बराबर 53। तो 3x बराबर 23 को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ वैल्यू 30 बचेगी, 53 माइनस 23 होगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 30, तो x का मान 10 आ गया। तो कह रहा है कि ए व सी का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पर ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा लिखा है एक्स प्लस 15 यहाँ पर, तो देखिए एक्स का मान रखेंगे 10 और प्लस 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 रुपये ए का। और सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का यहाँ यक्स माने हैं, तो यक्स बराबर ये 10 आया है, तो 10 रुपये होगा। तो आंसर इसका 25 और 10 देखिए ऑप्शन में दिया है, 25 रुपये 10 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए, दो संख्याओं में अनुपात दिया है 3:4, अब छोटी संख्या दिया है 75, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3 = 75, तो 1 = 3 × 3 = 25, 3 × 75 = 1 = 25, तो दूसरी संख्या यहाँ 4 है अनुपात में, तो 4 बराबर निकालना है, तो 4 × 25 करेंगे तो 25 × 4 = 100 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यदि छोटी संख्या 5000 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले अनुपात लिख लेंगे 4:9, अब यहाँ पर छोटी संख्या दिया है 5000, यहाँ अनुपात में देखिए 4 है छोटी संख्या, तो 4 = 5000, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 4 = 4, यहाँ से 4 × 4 = 4, फिर 10 हुआ तो 4 × 2 = 8, और फिर ये 20 हुआ, 4 × 5 = 20, तो 1 = 1250 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या 9 है अनुपात में, तो 9 बराबर निकालना है, तो 9 × 1250 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 9 × 45 = 45, हासिल 4, 9 × 2 = 18, 4 × 22 = 22, हासिल 2, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 11, और 1 शून्य लगाएंगे तो 11250, तो ये बड़ी संख्या होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी ने क्रमशः ₹7000, ₹9000 और ₹11000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8100 हुआ हो, तो ए और बी का भाग होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, लाभ का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कुल लाभ दिया है 8100 रुपये तीनों का, तो लाभ का अनुपात अलग अलग यहाँ लिखेंगे, और लाभ का अनुपात बराबर होता है कुल पूंजी जो लगाया है उन्होंने, अब पूंजी गुणे समय, तो यहाँ पर ए की पूंजी है 7000 यहाँ पर, तो समय मान लेंगे 1 वर्ष इसका, फिर अनुपात बी की पूंजी यहाँ पर देखिए 9000 लगाया, ये भी मान लेंगे 1 वर्ष के लिए, क्योंकि पूंजी गुणे समय के बराबर होता है लाभ का अनुपात पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पर सी का देखिएगा, सी की पूंजी है 11000, तो 11000 गुणे यहाँ भी 1 लिखेंगे टाइम, अब ये देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 3 शून्य यहाँ से, तो यहाँ पर अनुपात में हो गया 7, 9 और 11, ये लाभ का अनुपात, लेकिन यहाँ टोटल लाभ है 8100 और यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है 11, 9, 20, 27, तो 27 इसको जोड़ने पर आया, बराबर हो गई 8100 के, तो 27 × 27, 27 × 81, तो 1 = 300 हो गया। तो कह रहा है कि ए और बी का भाग क्या होगा, अलग अलग निकालना है, तो देखिए ए का अनुपात है यहाँ 7, तो ए का भाग हो जाएगा 7 × 300, क्योंकि 1 = 300 है, तो 7 बराबर हो जाएगा 2100, 7 × 2100, तो ये 2100 रुपये हो गया ए का भाग। अब यहाँ पर बी का भी पूछ रहा है, तो बी का निकालना है, तो बी का अनुपात में 9 है, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 × 300 करेंगे तो 2700, तो देखिए ऑप्शन में 2100, 2700 जिस ऑप्शन में होगा वही उत्तर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2100 रुपये, 2700 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी और डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया, ए 12 गायें 6 महीने के लिए, बी 10 गायें 5 महीने, सी 14 गायें 10 महीने और डी 9 गायें 7 महीने चराता है। तो यदि ए ने किराए के 3600 रुपये दिए हों, तो चारागाह का कुल किराया कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो लिखेंगे ए की कुल गायें, यहाँ पर ए की कुल गायों की संख्या या कुल गायें, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ए 12 गायें 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर 12 × 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 72,
और इसी तरह बी की कुल गायों की संख्या निकाल लेंगे तो देखिएगा बी 10 गाय 5 महीने के लिए चराता है, तो यहाँ पर 10 गुणे 5 करेंगे तो 10 पना 50, और सी की कुल गायों की संख्या यहाँ हो जाएगी देखिएगा 14 गाय 10 महीने चराता है, तो यहाँ पर 14 गुणे 10 14 दहम 140, और डी की कुल गायों की यहाँ संख्या हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा डी 9 गाय 7 महीने चराता है, तो यहाँ पर 9 गुणे 7 तो 9 7 63। अब यहाँ पर टोटल गाय हो जाएगी यहाँ पर देखिए ए बी सी डी की यहाँ जब जोड़ेंगे तो 325 यहाँ टोटल हो जाएंगी 325। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि ए 36 रुपये किराए का देता है, तो ए की गायों की संख्या 72 है, मतलब 72 गायों का किराया है यहाँ पर 36 रुपये, तो एक गाय का किराया हो जाएगा 36 और बटे जाएगा 72, तो यहाँ पर हमें निकालना है टोटल चारा गाय यानी 325 गायों का, तो 36 बटे 72 गुणे हो जाएगा 325, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा 36 एक कम 36, 36 दूनी 72, और फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर एक कटेगा 2 एक कम 2, फिर ये 12 हुआ तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, और फिर 2 पंचे 10 और ये 0 तो 162.50 रुपये, तो मतलब टोटल चारा गाय का किराया होगा 162.50 रुपये, 162.50 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में कर सकती हैं तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर यह लिखा हुआ है 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, तो यह का मतलब यहाँ इक्वल, यह तो 12 पुरुष करें या 18 स्त्रियां, काम 7 दिन में होगा, तो लिखेंगे 12 पुरुष बराबर 18 स्त्रियां या 18 स्त्री, तो यहां से देखिए एक पुरुष की वैल्यू निकालेंगे, एक पुरुष बराबर हो जाएगा 12 यहां बटे में जाएगा 18 बटे 12 स्त्री। अब यहां पर देखिएगा आगे कह रहा है कि 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां जब 7 दिन में करती हैं तो देखिए 4 पुरुष और यहाँ पर देखिए शब्द है तो और का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पुरुष और प्लस 8 स्त्री, तो ये कितने दिन में करेंगे उसी काम को, तो देखिए यहाँ पर पुरुष को स्त्रियों में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए एक पुरुष की वैल्यू दिया है 18 बटे 12 स्त्री, तो 4 पुरुष की स्त्रियों में वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणे 18 बटे 12 हो जाएगा और प्लस ये 8, तो ये टोटल हो जाएंगे यहाँ स्त्रियों की संख्या कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा 4 3 12, 3 1 कम 3, 3 6 18, तो 8 6 14 स्त्रियाँ होंगी टोटल, और ये 14 स्त्रियाँ उसी काम को कितने दिन में करेंगी, तो देखिए यदि 18 स्त्रियाँ 7 दिन में, क्योंकि यहाँ पर 12 पुरुष या 18 स्त्रियाँ हैं, तो यहाँ एकिक नियम से देखिएगा 18 स्त्रियाँ किसी काम को 7 दिन में करती हैं तो 14 स्त्रियाँ उसी काम को एक्स दिन में करेंगी, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे तो देखिएगा 7 1 कम 7, 7 2 14, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो एक्स बराबर ये वैल्यू आ गई 9, तो 9 दिन में करेंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी मिलकर एक काम 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा यहाँ पर अकेले की चर्चा कर रहा है कि ए अकेला किसी उसी काम को 10 दिन में करेगा तो बी अकेला, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 10 और 15 ये अंश में गुणा करेंगे और यहाँ पर हर में इसको आपस में माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 10 गुणे 15 और बटे में देखिए यहाँ 5 बचेगा तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 दिन में बी अकेला उस काम को करेगा, तो ये डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसका है, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिएगा अमाउंट निकालना है मिश्रधन और 1600 रुपये का है, तो देखिए 3 वर्ष का वो भी 25% की दर से, तो 100 धन 25 करेंगे तो 125 होगा, तो 125% की वैल्यू लिखेंगे 3 बार, तो 125/100 गुणे 125/100 गुणे 125/100, 3 वर्ष का अमाउंट निकालना है तो इसलिए 3 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर देखिएगा 125 से 25 पंचे 100 125 और 25 चौको 100, फिर यहाँ से 25 पंचे 125 25 चौको 100, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल, अब 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, तो यहाँ पर 3125 रुपये हो गए अमाउंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 साल बाद लौटाया तो उधार की रकम कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, उधार की रकम का मतलब यहाँ मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया हुआ है, तो यहाँ मिश्र धन गुणे 100 इसका फार्मूला होता है जब मिश्र धन दिया हो, अब बटे 100 धन दर गुणे समय, तो यहाँ दर दिया है 16% और समय हो गया 3 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 11,360 गुणे 100 और बटे हो जाएगा यहाँ 100 धन 48 होगा, 16 × 3 = 48, तो 148। अब जब भाग करेंगे इसमें 148 से तो वैल्यू हो जाएगी 7675 रुपये इसको कैंसिल आउट करने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दर के पहले ये मूलधन दिया है प्रिंसिपल और ये 540 रुपये अमाउंट है मिश्र धन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी साधारण ब्याज, तो यहाँ पर देखिएगा 540 में 450 माइनस कर देंगे, 540 अमाउंट है, 450 से प्रिंसिपल है, तो यहाँ 90 रुपये हो गया एसआई यानी ब्याज। अब यहाँ पर निकालना है समय, तो समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर यहाँ पर देखिएगा ब्याज गुणे 100, ब्याज 90 रुपये है, तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, तो यहाँ पर देखिए मूलधन है 450 और गुणे यहाँ दर यहाँ 5% है, तो समय का सूत्र हो गया ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 और 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पर 4 वर्ष होगा, ये 4 साल यहाँ टाइम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 5,832 हो जाती है तो वह राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा मिश्र धन दिया है और भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो फार्मूला पहले लिखेंगे ए बराबर पी इंटू 100 प्लस रेट अपान 100 और पावर में यहाँ टाइम होता है टी, तो यहाँ पर देखिएगा अमाउंट दिया हुआ है तो ये लिख देंगे 5,832 और बराबर मूलधन निकालना है गुणे अब 100 धन आर बटे 100 और घात में समय ये हो जाएगा, तो देखिए दर 8% है तो यहाँ पर 108% हो जाएगी और वो भी 2 वर्ष का है तो 2 बार यहाँ गुणा करेंगे 108 बटे 100। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये 4 से 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, फिर यहाँ से 4 से तो 25 और ये हो जाएगा 27। अब इसको देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 27 × 9 = 27, यहाँ भी देखिए 9 × 6 = 54, फिर ये 4 = 43 हुआ तो 9 × 4 = 36, फिर यहाँ पर 7 हुआ, 36 × 7 = 43 तो 72 हुआ, तो 9 × 8 = 72, फिर देखिएगा यहाँ पर 9 × 3 = 27, 9 से फिर कैंसिल होगा 9 × 7 = 63 और फिर 1 = 18 हुआ, 9 × 2 = 18, फिर यहाँ पर देखिए 3 × 9 हो जाएगा तो 9 ये कैंसिल होगा, 9 × 8 = 72, 8 हुआ। अब 8 का गुणा 25 25 यानी 625 से कर देंगे, इनका गुणा करने पर आएगा 625, 625 गुणे 8 करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो देखिए मूलधन हो जाएगा 625 गुणे 8, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5,000, तो ये यही ज्ञात करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी, तो देखिए वर्तमान में अभी जनसंख्या 64,000 है और 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 110% हो जाएगी, 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110% की वैल्यू 3 बार लिखना है, 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो 110 बटे 100, फिर पुनः यहाँ पर हो जाएगा 110 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 ये यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 64 × 11 का घन होता है 1331, तो 64 × जब यहाँ 1331 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 85,184, ये इसका आंसर आएगा गुणा करने पर, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 85,184, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ₹5200 की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर एसआई निकालना है, तो सूत्र होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणे, यहाँ पर देखिए दर दिया है 6% दर गुणे समय दिया है 2 वर्ष, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यहाँ पर से 0 0 कैंसिल होगा, तो देखिएगा 52 × 6 × 12, तो 52 × 12 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 × 2 = 24, 4 + 2 = 12, 5 × 7 = 62, 624 रुपये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
₹5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि से दुगनी हो जाएगी। तो जब भी दुगना तिगुना या गुना वाला प्रश्न आए, और यहाँ पर कह रहा है कितनी अवधि से, मतलब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर ये जो गुना दिया हुआ है दो गुना, तो इसमें दो में एक घटा के अंश में लिखेंगे। यहाँ जितने गुना दिए रहे तो उसमें एक घटा के अंश में, और बटे यहाँ पर दर दिया है देखिए ₹5 प्रति सैकड़ा, मतलब यहाँ दर दिया है 5%, और गुणे हो जाएगा यहाँ 100। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आया। 20 गुणे जब एक करेंगे तो 20 ही रहेगा, तो 20 वर्ष में हो जाएगी अवधि 20 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट यानी वर्तमान के लिए पी लिखेंगे, और पहले की यदि लिखना है तो ऊपर लिखेंगे इसके बिफोर, और बाद के लिए आफ्टर यानी नीचे लिखेंगे बाद वाली आयु। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्तमान में यहाँ सेट करेंगे पिता और पुत्र की, तो देखिए पिता हो गए और पुत्र, तो वर्तमान में मानेंगे देखिए पुत्र को मान लेंगे यक्ष, जो छोटा होगा वो यक्ष, क्योंकि दोनों की आयु का योग 44 है, तो पिता की हो जाएगी 44 माइनस यक्ष। अब कह रहा है कि देखिए 2 वर्ष बाद, तो मतलब नीचे लिखेंगे यहाँ आफ्टर, तो 2 वर्ष बाद यहाँ 2 जुड़ेगा, 44 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 वर्ष बाद हो जाएगा इसका पुत्र का x+2। अब यहाँ पर देखिए 44 और 2 46 हो जाएगा, तो 46 माइनस एक्स टोटल हो जाएगी इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो मतलब 2 वर्ष बाद पिता की आयु है 46 माइनस एक्स बराबर 3 का गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में x+2 में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 46 माइनस एक्स बराबर 3 गुणे x करेंगे तो 3x और प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस x रहेगा, 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, तो जुड़ के -4x पक्षांतर कर लेंगे, और 46 उधर जाएगा तो -46 होगा, तो घटेगा तो -40, तो -4x बराबर -40, तो -माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पर x का मान देखिए रख देंगे, वर्तमान आयु यहाँ 44 माइनस एक्स है, तो 44 माइनस जब 10 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 34 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु 34 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की उम्र क्या होगी? तो देखिएगा यहाँ पर लिख लेंगे मोहन, और इधर लिख लेंगे पिता। अब यहाँ पर देखिएगा मोहन की उम्र पिता की उम्र का 1/3 है, तो मतलब मोहन की उम्र 1 होगी तो पिता हो जाएगा 3, तो ये 1/3 मतलब 1/3, तो देखिएगा ये अनुपात में 1:3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए योग हो रहा है 3:1:4 अनुपातिक योग, लेकिन दोनों की उम्रों का योग यहाँ 60 वर्ष है, तो 4 बराबर 60, तो 4 एकम 4 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 चौको 60, तो 1 बराबर 15। तो कह रहा है कि मोहन की उम्र क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 ही है, तो 1 बराबर 15 वर्ष, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी मैथ्स, आर्मी रीजनिंग, आर्मी जीके जीएस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।